भूमि पर जो भी अवैध स्वामित्व का दावा करके निर्माण किए गए हैं अथवा कब्जा कायम किया गया है उसके विरुद्ध पिछले 3 से 4 महीनों से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को 2 बार पत्राचार भी किया गया था। इस एकड़ जमीन 424A रकबा संख्या पे अभी विद्यमान है उसके संबंध में यह अवगत कराना है कि इसके संबंध में पत्राचार किया जा चुका है, सारी फाइल कम्प्लीट है। एक जो तथ्य सामने आया था कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कोई स्टे ऑर्डर इस पे चल रहा है उस संबंध में हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी की जा रही है और जल्दी ही उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी सुसंगत तथ्य हैं जो भी सही तथ्य हैं वो माननीय कोर्ट के सामने ला के और सही फैसला अपने पक्ष में करा के हम इस पे अग्रिम कार्रवाई करें। नगर निगम मुरादाबाद इस समय शहर को स्मार्ट बनाने की मुहिम के साथ साथ अपनी संपत्तियों को कब्जा मुक्त करने के लिए भी अभियान चला रहा है। नगर निगम ने लोगों द्वारा कब्जाई गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया। अभी तक नगर निगम द्वारा करीबन 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया है लेकिन ये संपत्तियां वही थी जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लोगों ने कब्जा रखी थी। नगर निगम का बुलडोजर बड़े व्यापारियों और सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक होता दिखा। आपको बताते चले कि कुछ ही महीनों पहले नगर आयुक्त के पद को संभालने वाले नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने आते ही नगर निगम की संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराना शुरू कर दिया। उनकी इसी श्रृंखला में मुरादाबाद शहर के बीचों बीच जैन मंदिर के सामने नगर निगम की नजूल की संपत्ति पर बड़े बड़े शोरूम खड़े दिखाई दिए। जब उनकी जाँच की गयी तो पता चला कि निवर्तमान अधिकारियों की साठगांठ से नगर निगम की नजूल की संपत्ति को बेच कर यहां बड़े शोरूम खड़े कर दिए गए। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने एक वीडियो के जरिए इसकी घोषणा भी की कि जल्द ही नजूल की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जाएगा लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि नजूल की इस भूमि पर जो शोरूम बने हुए हैं वो कोई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग नहीं या गरीब नहीं बल्कि रसूख रखने वाले बड़े व्यापारी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाकर सरकार से इसी तरह के फायदे भी लेते हैं। अब देखना ये होगा कि तेज तर्रार नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के आगे ये व्यापारी नतमस्तक होते हैं या इन व्यापारियों के सरकार की परस्ती के चलते वर्तमान नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को इनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा या बाबा का बुलडोजर इन बड़े व्यापारियों को भी आम जनता की तरह देखेगा। आपको बताते चलें कि हाल ही में ही कोर्ट रोड पर नगर निगम का बुलडोजर मध्यम वर्गीय दुकानदारों पर चलने वाला था लेकिन नगर विधायक के बीच में पहुंचने पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया लेकिन इन बड़े व्यापारियों के बीच में ना कभी नगर विधायक आए ना कोई अन्य जनप्रतिनिधि। उसके बावजूद भी अभी तक नजूल की संपत्ति पर कब्जा करने वाले इन बड़े व्यापारियों पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही।